तुमको हमारा संगीता से अलग करने का कीमत 10,000 रुपया और आज इस राज को राज रखने का कीमत 50,000 रुपया। मैं अपने दोस्त अवतार की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्त हो तो तुम्हारा माफी। जूली, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम यहाँ से बहुत दूर कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना अवतार और संगीता की बसी बसाई दुनिया के लिए खतरनाक है। तुम डरता है कि हम इस राज को खोल देगा? हाँ, ये राज छुपते नहीं, छुपाए जाते हैं, और मैं अपनी जिंदगी के इस राज को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। तुम्हें क्या हक था अपनी दोस्ती पर मेरे प्यार की बलि चढ़ाने का? बोलो, किसने दिया तुमको यह अधिकार? स्वामी तुमको राज खोलने का वास्ते पैसा देता? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो मरेगा। वैसे हम चौकरी के साथ कुछ करता नहीं, लेकिन जब हम करता तो हम बहुत डेंजरस, हमारा आदमी लोग बहुत खराब। इस वास्ते हम बोलना, हर काम प्यार से करना, प्यार से राज बोलना, प्यार से पैसा पकड़ना। पकड़ लिया यार। हम लोग एक ही शहर में रहने वाले, एक ही दिल में रहने वाले, और एक दूसरे से इतनी दूर। यार मैंने जब से शादी की तू पहली बार मेरे घर पर आ रहा है यार। दस और फेर यार। चलो। हाँ हाँ आई। देखो कौन आया। अरे धर्म पत्नी जी, समझाओ अपने मेहमान को, ये यहाँ आने के लिए राजी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर में कदम रखेगा और इस घर की किस्मत ही बिगड़ जाएगी। अच्छा राम,
मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर लॉन में बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। मेरा यहाँ ना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। आपकी मजबूरी और मर्जी क्या है मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक बार किसी का घर टूट जाए तो फिर वो कभी जुड़ता नहीं। जो लोग खुद अपनी मर्जी से टूटकर बिखर गए हों, वो किसी का घर तोड़ने की नहीं जोड़ने की तमन्ना लेकर जीते हैं। यार राम, कौन है आदमी? अरे छोड़ना यार, क्यों गुजरी हुई कहानियों को छेड़ना, तू बैठना। लो बैठ गया, अब बता। अरे बताना यार। इस बेचारे की एक बीवी थी जिसे भागलों की तरह प्यार करता था। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी शानों को करते हैं। अच्छा फिर बता क्या हुआ? फिर अचानक उसे पता चला कि, अरे छोड़ना यार, क्या बेकार की बातों में उलझ रहा है तू। इतना सस्पेंस है ड्रामे में और तू बोलता छोड़ना यार। अरे बताना क्या हुआ उसकी बीवी को? शादी से पहले उसका कोई चाहने वाला था। क्या बकवास कर रहा है, बीवी का चाहने वाला? कौन था वो चाहने वाला बताना यार। बड़े दुख की बात है बाबूजी, वो कोई और नहीं उसका अपना करीबी दोस्त था। ये कैसे हो सकता है शानू? और क्या बीती होगी उस बेचारे पर जब उसे पता चला होगा कि जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है वो किसी और की चाहने वाली है। राम तुम सोच सकते हो आदमी किस मिट्टी का होगा जिसने अपनी दोस्त की बीवी के साथ प्यार किया और अपनी जुबान से अपनी मोहब्बत का राज तक नहीं बोला। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मगर मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला और शानू जैसी बीवी। अवतार बाबू आपका फोन। मैं अभी आया। वड़कम सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग अम्मा, सब ठीक ना जी? तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आई गुस्सा ना को, पहले हमको बैठने को बोला ना जी। ऐसा का काम में हमको बैठने को कोई नहीं बोला था जी, पर हम को तो बैठे था लाइक जैसा। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तेरी। तेरा क्या जी, उधर हमारा गाड़ी खड़ा ना जी, जरा गाड़ी को देखो, गाड़ी का बाहर वो चौकरी को देखो। अम्मा तुम भी चौकरी को देखो ना जी। जाना जी, अम्मा हमारा चौकरी फोन किया तुम्हारा मरद को, उधर हमारा चौकरी तुम्हारा मरद से चार बात करेगा, इधर हम तुम दोनों से दो बात करेगा। यो लिट्टो, हमको तुम दोनों का बारे में सब कुछ आकर तुम्हारा मरद सुनेगा बिग प्रॉब्लम। हमको तुम्हारा तुम्हारा दोनों का लपड़ा मालूम, ब्यूटीफुल लपड़ा, पर हम बोलेगा नहीं जी। चे, 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 नहीं बोलेगा। किसी का घर तोड़ कर क्या फायदा, इधर तुम्हारा घर टूटेगा उधर तुम दोनों का फ्रेंडशिप टूट जाएगा।
हम नहीं बोलेगा, इसलिए अम्मा हम तुमको सिर्फ 3 मिनट का टाइम देता सोचने को और फैसला करने को, नहीं तो अम्मा बहुत बड़ा घोटाला करेगा। अम्मा कल 6 बजे अम्मा तुम्हारा काला बंगले पे वेटिंग होना, फैक्ट्री और जमीन हमारे नाम पे करके कागज पे साइन करके तुम्हारा यॉक वनकम वनकम गुस्सा का तोड़ा नीचे को होना जी।